हेलो, हाय, नमस्ते। आज हम बनाएंगे एक करी। एक करी बहुत से लोगों को पसंद आती है, तो आज हम ये बनाते हैं। पहले हम एक को फ्राई कर लेंगे। इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल के उसको अच्छे से कोट कर लेना है, फिर उसको फ्राई करना है। यहाँ पे कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब सारे एग को इसके अंदर डाल के उसको फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन कलर ना हो जाए। ये आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ गया है अंडे में। अब हम ग्रेवी का मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पे हमने ऑनियन, टमाटो, गार्लिक एंड जिंजर लिया है। पहले हम ऑनियन, जिंजर और गार्लिक को एक पेस्ट बनाएंगे और टमाटो को एक पेस्ट बनाएंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लेके उसमें तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक एंड जीरा डाल के उसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी पिसी हुई जिंजर, गार्लिक, ऑनियन पेस्ट और उसको अच्छे से लगभग 5 मिनट तक भूनेंगे। हमें इस बात की भी ख्याल रखनी होगी कि अदरक लहसुन का जो रॉ स्मेल है वो मसाले में से चली जाए और मसाला अच्छे से भून जाए। ये आप देख सकते हो हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन गया है और इसमें एक लाइट ब्राउन कलर भी आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई टमाटो। टमाटो को हमें मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले को हमें कंटिन्यूअसली 5 मिनट तक भूनते रहना है। ये आप देख सकते हो हमारा मसाला कितने अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा पाउडर मसाला। यहाँ पे हमने लिया है टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला एंड सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार लेना। अब इस सारे पाउडर मसाला को प्याज वाले जो मसाला है उसमें डाल के उसको अच्छे से भून लेना है। इसको लगभग 1 मिनट तक अच्छे से भूनना है। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। यह मसाला हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसमें अंडा डाल के उसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे को मसाले के साथ अच्छे से 1 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे हमने 1 कप वार्म वाटर यूज करा है और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देना है। अब हमें इसे 2 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम में पकाना है ताकि जो ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा थीक हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च और धनिया पत्ता डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 मिनट तक पकाएंगे। ये आप देख सकते हो अंडा करी एकदम रेडी हो गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। ये हमारी रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारी ये रेसिपी, एक करी वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।